बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे वालों सारे मेरे भैन भरावों अल्लाह पाक हमेशा तुम्हें खुश रखे आबाद रखे जड़े दुख तकलीफ अल्लाह पाक खरे दूर करे थोड़ी जिंदगी खुशियां ही खुशियां भर दे आमीन सुमा आमीन। वीडियो शुरू करने पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर तुम साढ़ा चैनल दिस विलेज व्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जो बैल का बटन प्रेस कर लो ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो पर वक्त मिल सके। अच्छा जी सुबह नाश्ता किया वा चाय बिस्किट का क्योंकि मेरी तबीयत ही सी ठीक दवाई में छड़ी सी दिमाग दी ते ना फिर इस करके फिर मसला बन जाता 10-15 दिन हो गए मैं ना दवाई नहीं खाधी तो सुबह राती दी फिर तबीयत खराब सी राती भी जरा खाना ना बजूसमा भी ले आई सी पशमीम भी ले आई सी मेरी तबीयत नहीं ठीक हूँ मैं बजूसमा फोन किया मैं एक मेहमान आ रहे आई मेहमाना वास्ते खाना बनाना वा क्योंकि दिमाग का फिर ना झटका लगे हो नाले बुखार भी होया वा तेरी रिपशा जा रही है घर मामी जी आए मेरे और मामू का बेटा आया वा जिन्नी जूस पा रही जूस दिनी है मामी जी उन्होंने जूस में पा लिया वा तो हूँ मैं मामी जी उन्होंने दे के आनी हूँ ए मामी जी उन्हें गोल्ड लेके आया अगले दिन अम्मी जी उन्होंने दिता सीगा तो छोटी मामी ने है तीसरे नंबर वाली मामी मेरे वास्ते लैके आई है और हुण मैं जूस पा लिया गलासा च ते मेहमाना दिनी है पहले मेज रखती हूँ अगे अच्छा जी मेहमान आए मेहमाना दिने फ्रूट कट के जूस में पिलाता हो गया 10 मिनट तो चाय बाद रखनी है मैं बिस्किट मंगवाए भाई शाद को मैं बिस्किट लिया तो फिर चाय रखनी है हूँ ये दिक्कत पे रहना मैं फ्रूट कट के देव मेहमान खाते पीते रहे मेहमान वैसे भी मतलब पहली दफा मेरी मामी आए हैं कि मामू जी फौत हो गए अल्लाह तला जन जगह देवे उन्होंने इस करके फिर बच्चे छोटे छोटे से जो मामा जी फौत हो गए रिमशा साल दी रिमशा हो गई है 9-10 साल दी हो गई है इस करके फिर तो सारिया जिम्मेदारियां अपने पर पै जाए राती फिर बशमीन भी आ गए थे फिर उन्होंने भी फ्रूट कट के दिता फ्रूट पिया हुआ बंदा कट के मेहमानों दे देता वा मैं वैसे कभी घरों मुक्न तो दिता नहीं है लेकिन कभी आई मुक भी जाए तो जो जल्दी बाजार चक्कर ना लगे चौधरी साहब हम मेहमानों के कोल बैठे असी अपना खाना शाना तैयार करके मेहमानों देवे मामी कहती खाना नहीं खाना मैं खाना तो खाना पैना वा ये तो नहीं भी खाना नहीं खाना अच्छा जी हूँ मैं एक प्लेट च कट दी हूँ अमरूद सेब कट ले सेब कट के फिर काला नमक लगानी है मैं अमरूद कल ना थोड़े सख्त ले सके मैं क्या भी अपना मैं सख्त पसंद है मैं नरम अमरूद नहीं पसंद मैं कहनी अमरूद थोड़ा जहा सख्त हो गए मैं वाला अमरूद निकल नरम फेस आई है जी हम मैं काला नमक लगा के सेब में अमरूद में दिनी है केले जड़े ना कम 3 केले पे है तो केले जड़े ने यही नहीं लेने हूँ मैं काला नमक लगा फिर दीदी हाँ मेहमान जूस प्यासी को देता मेहमान तो बोतल हमने मंगवाई वो खाने के ना रख दूँगी। अच्छा जी मेरी तबीयत नहीं सी ठीक हूँ मैं लगी मेहमानों वास्ते चाहे मामी जी हुई नवा गुड़ लैके आया फ्रैश गुड़ मामी जी उन्होंने क्योंकि गन्ने घर दे ना तो फिर इस करके अपना गुड़ घर तैयार करते हैं
ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਾਉਂਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਨੀ ਪਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਨਾ ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਜੀ ਉਸਮਾ ਕੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਪ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਮੀ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੇਡ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵੇ ਬਾਣ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਹੜਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਏ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਵਾਣੇ ਪੈ, ਰੋਟੀ ਹੋਣੇ ਪੱਕ ਜਾਣੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗਣੀ। ਪੌਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਨ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵਾਜੀ ਬਾਜੀ ਉਸਮਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਝੱਟ ਮਾਮੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਚਾਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਈ ਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰ? ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਵੀਰ। ਹੂੰ, ਛਾਪਰ ਛਾਪਰ ਛਪਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਆਪੇ ਸਾੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ, ਐਂ ਵੈਸੇ ਬਿਸਕਿਟ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ। ਜੀ ਚਾਹੇ ਪਾ ਲਈਏ ਕੱਪਾਂ 'ਚ, ਬਿਸਕਿਟ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਬਜਮੇਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਮੇਰਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਜਮੇਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਣ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਦਿਓ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਦੇਣੀ ਆਣ ਕੇ।